बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब हमारे पास है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। मैंने आपको बताया था 4 डिजिट नंबर जो हैं वो अगर आप अगर आप 1000 से ले के 9999 तक, ये आपके तमाम 4 डिजिट नंबर हैं, और जो सबसे स्मॉलेस्ट है वो क्या है, 1000 है। एंड देन जो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट्स नंबर है, 2 डिजिट्स नंबर जो हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 तक, और इनके दरमियान 10 से 99, और इनके दरमियान जितने भी नंबर्स हैं वो 2 डिजिट्स नंबर हैं, क्योंकि इनमें 2 डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं। तो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर इज़ 99। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देख सकते हैं आपने क्या करना है, आपने करना है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द ग्रेटेस्ट 2 डिजिट्स नंबर। तो अब हम इन दोनों को प्रोडक्ट इनकी फाइंड करेंगे। तो आप 1099 का क्या प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, 9000090009001 9। तो यहाँ पे मल्टीपल का साइन लगाएंगे, 9000090009001 9। तो इनको ऐड करेंगे तो आपके पास ये आंसर आएगा। तो ये है आपका रिक्वायर्ड आंसर 10, एंड पे आप ये लिखेंगे कि 1000 × 999 इज़ इक्वल टू 99000। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 16। तो आपने इसको देखना है कि ये क्या ये डिविजिबल है बाय 16 के या नहीं। तो अब आपके पास है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इज़, आप देखते हैं कि जो 3 डिजिट नंबर है वो 100 से स्टार्ट होते हैं और 100 ऑन कहाँ तक जाते हैं, 999 तक, और स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या हुआ, 100 हुआ। तो हमने इसको 16 पे डिवाइड करना है। हम अब इसको 16 पे डिवाइड करते हैं। तो जब हम 16 पे डिवाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि 16 को जब हम 5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो 5 और 6 को जब मल्टीप्लाई किया तो 3003 आप कैरी करेंगे, 5 ones 8। देन हम 16 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 6 के साथ तो आंसर आपका आएगा 96। 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 36 आंसर 6, 3 आपका कैरी जाएगा। अगर आप 36 आंसर 6 आप यहां पे लिख देंगे, राइट कर देंगे, 3 आपका कैरी है, 6 ones are 6 और 3 आपका क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। या आप 6 पे आप देखें तो ये आपका डिवाइड हो रहा है, तो अब आप देखते हैं तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है, 96। तो अब यहाँ पे क्या है जी, 4 है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 जो है ये आपका रिमाइंडर है। तो अगर स्मॉलेस्ट डिजिट्स नंबर आप देखें कि आप 16 में से 4 को क्या कर दें, माइनस कर दें, तो आपका आंसर आता है 12। तो ये 12 की कमी है इसमें, तो नंबर क्या होगा, आप 100 में क्या ऐड कर देंगे, 12, तो आपका जो आंसर आएगा वो 112। अब स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 112 है जो क्या होता है, 16 पे कम्प्लीटली डिवाइड होता है। तो अब हम इसको चेक करते हैं, ये है आपके पास 112। तो आप देखेंगे कि अगर हम इसको 16 पे डिवाइड करते हैं तो ये 7 पे आपका कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। आप 7 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 7 6 are 42, तो 2 आपका है 4 कैरी, 7 ones are 7, और आप 4 जब आप करेंगे तो ये 11 आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। 10 112 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल, विच इज एग्जैक्टली लिख लें, एग्जैक्टली डिविजिबल बाय
16। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.4 का। फाइंड द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 24। तो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर जो है वो इज़ 999 है। आपको पता है 3 डिजिट नंबर 100 से लेकर 999 तक होते हैं, क्योंकि इनमें 3 डिजिट्स यूज़ होते हैं। तो जो लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर है वो है 999। अब आपने क्या करना है, अब आपने 999 को 24 से आपने डिवाइड करना है। तो हमें पता है 24 को जब हम 4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास आंसर आएगा 4 4 16, 4 2 8 एंड 1 आपके पास 9 है। तो आप यहां पे 4 और यहां पे आपके पास आएगा 96। जब आप इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहां पे 3 और यहां पे 9, जब आप 24 को जब आप 1 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 24। तो 9 और इनको 9 और 4 में 9 4 सब्ट्रैक्ट किया तो 5, और यहाँ पे क्या आएगा 1, तो टोटल 15। तो इस 15 को आप 900 जो आपका डिवाइडेंड है उसको रिमाइंडर में से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 5 जब सॉल्व होंगे तो सब्ट्रैक्ट होंगे तो 4, 9 में से 1 आप सब्ट्रैक्ट करें तो 8 और ये 9। तो ये है वो आपका नंबर जो कम्प्लीटली एग्जैक्टली डिवाइड होगा 24 से। अब हम चेक करते हैं, तो ये है आपका 984। अब हम देखते हैं इसको डिवाइड करके 24 के साथ, तो यहाँ पे है आपके पास 4, हमने किया हुआ 96, यहाँ पे 24 और यहाँ पे 1। जी ये है लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर 10, 984 इज लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज exactly divisible by 24। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड स्टे ट्यून्ड विद वकार इंस्टीट्यूट। थैंक यू।